हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मंत्रास कैसे गाना है शंख के ऊपर, और वो भी दो शंख है आज हमारे पास। इसमें हमको मंत्रास कैसे गाना है। अभी हम जो हनुमान चालीसा का फर्स्ट पैरा है वही लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। तो इसमें लॉजिक ऐसा है कि आपको उसी पैटर्न में फूकना है, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आज हम दो शंख के ऊपर ट्राई करके देखेंगे। इसमें करना क्या, आपको पहले दो शंख लेना है, बिठाना है ऐसे स्लोली, ब्लो करके चेक करना है आपको। तो ये करेक्ट पोजीशन है। अभी हम मंत्र गाएंगे इसके ऊपर, लाइन बाय लाइन भी गा सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट पैरा भी। फर्स्ट लाइन गाएंगे हम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये फर्स्ट पैरा हो गया। अभी आपको दूसरा कोई भी मंत्र गाना है, उसी पैटर्न में आपको फूकना है। अभी सिंपल हम देखेंगे, जैसे कि ओम नमः शिवाय, श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री राम। ऐसा कोई भी मंत्र आप गा सकते हैं इसके ऊपर, शंख के ऊपर, बस आपको उसी पैटर्न में फूकना है, ये लॉजिक है। और एक है, आप कंटिन्यूअसली भी बजा सकते हैं इसको, जैसे कि कंटिन्यूअसली हम जैसे नॉर्मल शंख बजाते वैसा। आज की वीडियो में हमने देखा हनुमान चालीसा का फर्स्ट पैरा, फिर ओम नमः शिवाय, श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री राम, ये छोटे ये जो भी है उसी पैटर्न में हमको फूकना है। सेकंड हो गया। थर्ड, कंटिन्यूअसली हम ब्लो कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल शंख हमको जो ब्लो करना है, वैसे डबल शंख आप ब्लो कर सकते हैं। इसमें आप ट्यून्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक ट्यून आप ले सकते हैं, वो एक फोर्थ हो गया। मेरा फेवरेट वाला एक ट्यून है, वो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। तो ऐसे तीन चार वेरिएशंस करके आप बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, दो शंख। इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, दो शंख है, बट मेथड वही रहेगा, आपको उसी पैटर्न में फूकना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।